It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete. Crack. Conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू योर चैनल अन वेरी गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को और हैप्पी होली सर की तरफ से सही बच्चे इस समय होली का जश्न बढ़िया से मना रहे होंगे आई होप आज बच्चों का नंबर कम होने वाला है लेकिन कोई नहीं हम लोग की ये वीडियो तुम लोग रिकॉर्डेड देख लेना तो हम लोग बी पढ़ रहे थे सर बी के अंदर हम लोगों ने सीमेंट कॉन्क्रीट और टिम्बर खत्म कर लिया था टिम्बर के थोड़े से टॉपिक्स छोटे मोटे रह रहे हैं वो हम तुमको आज जल्दी से कवर करा के और ब्रिक्स की स्टार्टिंग करेंगे ठीक है तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है क्लास का वो ये है कि हम लोग उसमें आज टिम्बर के बचे हुए टॉपिक जैसे कि मार्केट में टिम्बर के क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले वन बाय वन और टिम्बर के कुछ यूजेस के ऊपर चर्चा करेंगे और हम लोग ब्रेक्स शुरू करेंगे ठीक है तो ब्रेक हमारा आज का मेन टॉपिक होने वाला है लेकिन टिम्बर छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं उसको जल्दी से खत्म करते हैं ठीक है थीके? तो जल्दी सारे फटाफट सेशन को लाइक शेयर कर दो और जल्दी से शेयर कर दो दोस्तों के साथ और हैप्पी होली सभी को आई नो इस समय बहुत सारे लोग रंग छुड़ाने में लगे लगे हुए होंगे और है ना तो चलो कोई नहीं गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून रितेश जितेंद्र भास्कर आशीष एम एंड सब लोग को गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून यार सबको है है सर सर की तरफ से से तो चलो जल्दी अपनी क्लास को शुरू करते हैं नोज ठीक है? ये सब सर के बारे में पे लिखा हुआ है सर का कोड तुमको पता है और उसके फायदे भी तुमको पता है फ्री लाइव क्लासेस तुम देख सकते हो अकेडमी के ऐप पे है ना सबको पता है ये सब बात और कोड के साथ तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो प्लस का या आइकॉनिक का और जितना भी स्ट्रक्चर है तुम जानते ही हो सारा का सारा ठीक है आइकॉनिक तुमको पर्सनल कोर्स मिलता है ये खास बात है यहाँ पे उसके बाद क्या था कि ठीक है और तुमको पता है फीस देख लेना अनकेडेडमी का एडोट करके फीस सब लोग देख लेंगे एक साल की डेढ़ साल की दो साल की प्लस की और ऐसे ही तुम लोग आइकॉनिक की फीस भी देख सकते हो एक साल की और दो साल की ठीक है ठीक है सर एकदम बात समझ में आ रही है और हम लोग क्या कर सकते हैं ठीक है और क्लास की टाइमिंग तुमको पता है सेवन ए एम पे आर सी चल रहा है वन फोर्टी ए पे, पे बी एफ सी चल रहा है बाकी भी एक दिन निकल जान दो होली के थोड़ा सा होता है पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं होली के एक दो दिन तक तो हम लोग स्पेशल क्लास से शुरू कर देंगे अपना उसके बाद ठीक है एक दो दिन तुम लोग इन्जॉय कर लो और बाकी जो बच्चे हैं वो फॉलो कर सकते हैं जो यूट्यूब वीडियो पढ़ रही हैं ठीक है थीके? और सब लोग अकेडमिक के ऐप है सर को फॉलो कर लेंगे ठीक है सर ये सब कहानी हम लोग को पता है चलिए जल्दी से आ जाइए आप टिबर के अंदर टिम्बर सर आप पढ़ा रहे थे हम लोग को ठीक है लास्ट क्लास में टिब्बर कल आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई आज ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे करीब दस बारह क्वेश्चन आज भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ठीक है सब लोग यार फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में कर तहलका मचा देंगे और बच्चा बोल रहा है कि सर आपने यहाँ पे होली नहीं खेली नहीं बेटा कलर्स नहीं खेलते सर ज़्यादा है ना सर बिल्कुल नहीं जो आता है थोड़ा बहुत लगा दिया तो हो गया बस वरना कहाँ सर कलर वाल खेलते हैं बचपन जब था छोटे थे तो कलर वाला चलता था अब इतना कुछ नहीं है, है ना अब जो है कलर का शौक ख़त्म हो गया तुम लोग बताओ तुम लोग ने होली खेली कि नहीं खेली यार सब लोग कमेंट करके बताएंगे सर को बताओ तुम लोग होली होली नहीं खेल रहे हो क्या तुम लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो हैं सर की तरफ तुरंत जब क्लास होती है तुरंत तुम लोग टाइम से आ जाते हो हैं बाकी सर अच्छा लग रहा है बिल्कुल होली होली नहीं खेल रहे हैं ना चलो कोई नहीं कोई नहीं अच्छी बात है फल तुम लोग को मिल जाएगा एक दिन तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो है ना चलो ठीक है सर शुरू करते हैं जल्दी से हम लोग यहाँ पे एक बालक पूछ रहे हैं कि सर बिल्डिंग मेट्रेस के बाद क्या शुरू करेंगे तुम लोग जो बताओगे शुरू कर देंगे जिसकी डिमांड तुम लोग ज्यादा रखोगे वो हम लोग शुरू कर देंगे ठीक है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो कि सर ये सर जैसे अभी सर तुम लोग बहुत स्टील के पीछे पड़े हुए हो तो स्टील जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे ठीक है चलो कोई नहीं तो देखो टिम्बर के अंदर में सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ देख लेता बस एंड में एक वुड प्रोडक्ट्स हमारा रहता था वुड के प्रोडक्ट्स रहते थे ये हम लोग यहाँ पहुंचते हैं ठीक है जल्दी से ओवर मारते हैं हम लोग जल्दी से स्लाइड पढ़ाते हुए चलते हैं तो ये देखा तुमने एडवांटेज एडवांटेज फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा था है ना और फिर सर मैंने उसको कंपेयर किया था कि इधर सॉफ्ट में हर चीज़ हल्की थी इसमें सब कुछ भारी था है ना निडल शेप ब्रॉड शेप लीड सब कुछ देखा सर याद ही है सब कुछ मैक्रो माइक्रो हर तरह का स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन आपने सब कुछ समझाया था फिर प्रॉपर्टीज आपने चर्चा की थी मॉइस्चर कंटेंट है ना बारह लेते हैं ये पता होना चाहिए ठीक है और सर स्वर्ण प्रोडक्टिविटी फिर सारी स्ट्रेंथ वगैरह स्ट्रेंथ हमने सब अच्छे से देखी थी फिर आपने सर कैरेक्ट्रिस्टिक्स हम लोग को समझाई थी ठीक है कि हमारा टेम्बर कैसा होना चाहिए गुड टेम्बर और ड्यूरेबिलिटी आपने बात की थी कि ड्यूरेबिलिटी उसकी किस बेसिस से क्लासिफाई की गई है फिर आपने प्रोसेसिंग में आपने कटिंग ऑफ ट्री के बारे में ये तो दो तीन टर्म बताया सीजनिंग समझाया कन्वर्जन समझाया प्रिजर्वेशन तुमको समझाया फिर के कई सारे मेथड्स तुमको हमने समझाए थे फिर डिफेक्ट्स हमने देखे थे बहुत सारे कन्वर्जन वाले इंसेक्ट वाले है ना और तरह तरह के डिफेक्ट्स तुमको बताया सर ने सीजनिंग वाले नेचुरल फोर्स वाले बर्ड एक्सप्रेसेंस नॉट्स और शेक्स बनते हैं जिसमें लॉन्ग सेपरेशन होता है तो बहुत कुछ हमने देखा था टिम्बर के अंदर हमने सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से कवर कर लिए थे ठीक है और अभी स्पेशल क्लास थोड़ा सा पुराना हो तो तुमको उससे क्वेश्चन स्पेशल क्लास में कराएंगे ठीक है चलिए सर बाकी अपना प्रिजर्वेशन में आपको बताया था ए एस ट्रीटमेंट था प्रिजर्वेशन uh, के फायदे क्या होते हैं वो सब आपने यहाँ पे लिखी दिए थे है ना ठीक है और बाकी सर केमिकल सोल्ट कोल्ड टार यूज करते थे जो फायर एसन बनाता था फिर क्रियोसोड ऑयल था या देख सकते हो है ना जो फंगस को दूर करता था ऑयल पेंट्स मॉइस्चर से दूर करते हैं सोगनम पेंट वाइट वाइट एंड से दूर करते हैं बाकी मेथड्स क्या थे प्रिजर्वेशन के ठीक है अच्छा हाँ ये दो हमारे फायर फायर एसन के मेथड थे स्पेशल केमिकल जैसे कि बोरिक एसिड

और आपने मेथड्स बताए थे हमको किस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं ठीक है आपने हमको सरफेस एप्लीकेशन बताया था जिसमें ब्रशिंग डिपिंग स्प्रेइंग करते थे सोकिंग बताया था जिसमें हम लोग उसकी छाल उतार के उसको लंबे समय उसको प्रिजर्वेटिव में डुबो के रखते थे ताकि अच्छे से उसके अंदर प्रिजर्वेटिव सोक हो जाए फिर आपने हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस बताया जिसके अंदर टिम्बर को हम लोग डुबा के रखते थे और फिर उसको क्या करते थे हीट करते थे हाई टेमपेचर एयर उसकी रिमूव हो जाती इससे और वो उसको फिर ठंडा करते तो प्रिजर्वेटिव उसके अंदर चला जाता है फिर बाउसरी प्रोसेस आपने बताया था जिससे हम लोग बैम्बू को क्या करते थे प्रेशर लगा देते उसके दूसरे एंड से सैप धीमी करके बूंदा बूंद निकल जाता था ठीक है यहाँ पे तो कोई इमेज तुमको बना के दिखाई थी और एग्जाम्पल तुमको ए, क्या नाम है गूगल पर दिखाया था बढ़िया से ठीक है बाकी सर प्रेशर न्यूमेटिक प्रोसेस ये भी आपने बताया था फ्यूल सेल एम सेल है ना तो फ्यूल सेल में बेथेल प्रोसेस होता है इसके अंदर हम लोग क्रियोसॉडल यूज करते थे वैक्यूम प्रेशर देते थे फिर प्रेशर देते थे फिर एंटी सोटी प्रेशर लगाते थे एम टी सेल एम टी सेल के अंदर लॉरी और रूपिंग थे रूपिंग एग्जाम पूछा गया ई ए सी में पूछा गया रूपिंग प्रोसेस क्या होता है तुमको याद रखना है कि इसमें एयर प्रेशर देते हैं पहले एयर प्रेशर देते हैं उसके बाद एयर से एयर को रिमूव करने के बाद हम लोग प्रिजर्वेटिव को डालते हैं फिर हम लोग प्रेशर लगाते हैं जिससे हमारा प्रेशर जिससे हमारा आ, क्या नाम है टिम्बर के अंदर सारा का सारा प्रिजर्वेटिव अच्छे से सोख हो जाता है ठीक है फिर चैरिंग सर आपने समझाया था चैरिंग में हमको पता है सब कोई कोई दिक्कत नहीं है ये सारे तरीके थे हमारे किसके प्रिजर्वेशन के तरीके थे ठीक है प्रिजर्वेशन के मेथड से जो आपने सर हमको अच्छे से समझा दिए थे और सभी हमको याद है ठीक है चलिए सर ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग सीजनिंग तुमको समझाया था सीजनिंग पूरा सिस्टम ज्यादा ऐसा क्यों करते हैं बहुत फायदा होता है सीजनिंग से ठीक है कॉस्ट वॉस घट जाती है डायमेंशन स्टेबिलिटी आती है फंगस और फंगस इनसे अटैक नहीं करते हैं सीजनिंग का टाइम समझाते एयर सीजनिंग वगैरह है ना और बॉयिंग केमिकल तो एक एक करके मैं देखा था इस सर इसमें टाइम में बहुत लगता था एयर सीजनिंग में सर टाइम का बहुत लगता था और कंट्रोल हमारे हाथ में रहता नहीं था ठीक है वो अलग बात है कि अच्छी खासी स्ट्रेंड निकल के आती थी एयर सीजनिंग फिर आपने सर में आपने बॉयिंग केमिकल सीजनिंग सब समझाया था हम लोग को फिर आपने हमको इलेक्ट्रिकल सीजनिंग केल सीजनिंग सबसे अच्छी कौन सी होती है किल होती है इसमें कंट्रोल बहुत अच्छा होता है हम लोग के हाथ में तो यही सबसे प्रीफर किया था फिर वाटर सीजिंग आपने बताया था और यहाँ तक हम लोगों ने क्लास को निपटाया था ठीक है और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हमने की थी अब हम लोग आज शुरू करने वाले वुड के प्रोडक्ट्स बहुत ध्यान से देखना आज हम लोग वुड के प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझने वाले हैं वन बाय वन ठीक है तो यहाँ पे सब लोग सबके साथ चलेंगे और फिर हम लोग थोड़ी देर में ब्रिक्स ब्रिक्स को शुरू करेंगे ठीक है और एक डाउट आया नीतीश का कि सर थेन आर सी सी में ब्लास्ट वन स्लैग सीमेंट अवॉइड क्यों रखते हैं ओके थेन आर सी सी में जल्दी ब्लास्ट वर्न ने स्लैग को नहीं हम लोग उसको अवॉइड करते हैं क्या नाम है रैपिड हार्डनिंग को है ना जल्दबाजी वाले चीजें थिन थिन से यूज नहीं जाते नहीं तो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा ठीक है जो भी, तो जो भी भी गुड आफ्टरनून मेंबर्स हैं जिनमें जो कि थिन है बट नितेश ने पूछा है तो वहां पे हम लोग कभी भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और हाई लुना सीमेंट ये सब यूज नहीं करेंगे जिनके अंदर स्पीड बहुत ज्यादा है ठीक है ब्लास्ट स्लैक तो हमारे यूज कर सकते हैं चलो इसको देखो यार देखो सर कुछ

प्लाइस ऑफ वुड्स हैं जो कि रोटेटिंग सॉ से काटी गई हैं ठीक है थीके? तो ये सकते हो तो बहुत पतली पतली है इनकी थिकनेस बहुत कम है लगभग थ्री एम एम फाइव एम एम इससे मतलब काफी कम कम रहती है काफी कम और कम थिकनेस है ना तो ये वाली देख सकते हो तो इसको हम लोग विनीस बोलते हैं ठीक है थीके? अब विनीर को अगर तुम जोड़ दोगे विनीर को अगर तुम जोड़ दो तुमने ऐसा लकड़ी अपने घरों में जरूर देखी होगी तो होता क्या है विनीरस को अगर तुम जोड़ दोगे तो ये बन जाएगी प्लाईवुड प्लाईवुड बहुत कॉमन प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है तुम लोग बहुत आराम से बोलते हो प्लाई दे दो प्लाई दे दो प्लाई खरीदनी है तो प्लाई होता है ठीक है प्लाईवर्ड होता है या प्लाईबोर्ड बोल सकते हो ये होता है इसके अंदर देखो विनियर रखी है एक विनीर है देखो यहाँ पे एक विनीर फिर ये दूसरी है फिर ये तीसरी है फिर चौथी है पांचवी छठी इस तरह से देख सकते हो है ना अच्छा हाँ सर ये तो है इसमें पतली पतली हमको दिखाई दे रही है मतलब हम क्या कर रहे हैं एक बात और सुनना है यहाँ पे अच्छा इसमें जो नंबर ऑफ विनिट्स होंगी वो ऑड नंबर होगी या तो तीन होंगी या तो तीन विनिट्स होगी या तो सर पांच होंगी या तो सात होंगी या तो नौ होंगी या तो ग्यारह इस तरह से होगा है ना इस तरीके से होगा ठीक है सर अच्छा एक बात और है देखो यार विनियर्स जो है विनियर जो है वो कैसे रखी जाती है एक विनियर अगर ऐसे रखी गई है ठीक है एक विनियर अगर ऐसे रखी गई तो दूसरी ऐसे रखी जाएगी फिर तीसरी ऐसे रखी जाएगी फिर अगली ऐसे रखी जाएगी तो इस तरह से ऑल्टरनेट चलता है ऑल्टरनेट देखो होता क्या है यार जो विनियर्स है ना अब देखो जैसे मान लो हमारा पहला विनियर रखा गया पहला विनियर हमने रखा ठीक है अब इसमें सर फाइबर्स इस डायरेक्शन में थे इसमें जो फाइबर थे इस डायरेक्शन में थे बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से फाइबर्स इस डायरेक्शन में तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो इस डायरेक्शन में ज्यादा थी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं लेकिन इसके नीचे मैंने इसके नीचे मैंने रखा उसमें फाइबर्स ऐसे ऐसे हैं सर इसके नीचे जो मैंने विनीर रखा उसकी फाइबर्स ऐसे ऐसे हैं यहां पे बाहर आ रही हैं इस तरफ बाहर आ रही है तुम ऐसा कह सकते हो कि इस तरह से दिखा सकते हो फाइबर्स फाइबर्स अंदर जा रही हैं पीछे की तरफ ठीक है इसकी फाइबर्स ऐसे हैं तो इसकी जो स्ट्रेंथ है सर वो इस डायरेक्शन में ज्यादा होगी इसकी स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में ज्यादा होगी बात समझ रहे हो फिर सर अगर आप अगली विनी रखें अगली विनीर इसके नीचे रखें तो उसकी फाइबर्स भी क्या होगी इसी डायरेक्शन में होंगी इसी डायरेक्शन होगी तो फिर से हमको इस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ मिल जाएगी और मोटी मोटी बात यहां पे ये है कि सर आपको एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो एक्स डायरेक्शन में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और अगर आप पीछे वाई डायरेक्शन की बात करें तो उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ मिलेगी है ना तुम देख सकते हो कलर भी देखो साफ भी देखो साफ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है तुम देख सकते हो एक इस डायरेक्शन में एक उस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन एक उस डायरेक्शन इस तरह से रहता है ठीक है और ऑड नंबर ऑफ विनियर्स होते हैं प्लाईवुड के अंदर ऑड नंबर ऑफ विनियर्स होते हैं प्लाईवुड के अंदर बहुत ध्यान से देखना ठीक है तो बात समझ में आ गई होगी तुमको थ्री फाइव सेवन करके और इनकी थिकनेस भी मार्केट में सिफाई होकर आती है पूरा पूरा कोड है प्लाई बोर्ड का पूरा पूरा कोड है इसको तुम तो लोग देख सकते हो लेकिन फिलहाल इतना जरूरी नहीं है बस तुम तो इतना जान लो कि प्लाई बोर्ड क्या है या प्लाई बोर्ड क्या है तो तुमको तो तो पता होना चाहिए उसमें सर क्या है नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्या नाम है विनिस को प्लेस करके लिख देते हैं नंबर ऑफ को ठीक है ऑल्टरनेट प्लेस किया गया है सर ऑल्टरनेट प्लेस किया गया है और उनको ग्लू से जोड़ा गया है और प्रेस कर दिया गया है ग्लू से जोड़ा गया और प्लेस कर दिया गया ठीक है यहाँ लिखेंगे ठीक है यहाँ कर लिखेंगे हम लोग विनियर्स को हमने ऑल्टरनेटली प्लेस किया है विनियर्स ऑल्टरनेटली प्लेस्ड ठीक है ऑल्टरनेटली प्लेस्ड एंड ग्लूड टुगेदर एंड ग्लूड टुगेदर अंडर प्रेशर एंड ग्लूड टुगेदर अंडर प्रेशर ठीक है ग्लूड टुगेदर अंडर प्रेशर ठीक है बात समझ में आ गई होगी सबको जी आंसर बिल्कुल ग्लूड टुगेदर अंडर प्रेशर ठीक है क्लियर है कहानी एकदम बहुत सिंपल ठीक है अच्छा कौन सा ग्लू यूज करते हैं ये भी जान लो कौन सा ग्लू यूज करते हैं पूछा जा सकता है ठीक है एक बार ऐसे ही पूछा भी गया है तो इससे साथ तुमको सोचकर बता दें तो कौन सा ग्लू यूज़ करते हैं सर जो एक ग्लू आता है इसका नाम है केसिन ग्लू ठीक है ये केसिन ग्लू है वाइट रंग का होता है केसिन ग्लू यूज़ किया जाता है यहाँ पे इनको जोड़ने के लिए फाइव ये वीर इसको जोड़ने के लिए ठीक है और यहाँ पे कमाल किया गया केसिन ग्लू यूज करते हैं और जो है सर केसिन ग्लू यूज़ करते हैं और क्या बात है ये वाइट रंग का है ना व्हाइट कलर ऑप्टेंट फ्रॉम मिल्क होता है ठीक है व्हाइट कलर और ऑप्टेंड फ्रॉम मिल्क होता है इतना याद रखना बस बहुत है ऑप्टेंट फ्रॉम मिल्क ठीक है चलो सर बाद में आ गई और बताइए विनीर और के अलावा और क्या क्या हमारे मार्केट प्रोडक्ट आते हैं देख सकते हो एक आता है फाइबर बोर्ड और एक आता है हमारा ब्लॉक बोर्ड ठीक है एक फाइबर बोर्ड तुम यहाँ देख पा रहे हो एक देख पा रहे हो, हो ब्लॉक बोर्ड ठीक है बिल्कुल सर दिख रहा है यहाँ पे तो अब देखो फाइबर बोर्ड कैसे बनता है एक सेकंड रुक जाओ हाँ फाइबर बोर्ड कैसे बनता है ध्यान से देखना तुमने देखा होगा यार बचपन में लोग जो हार्ड बोर्ड यूज करते थे जिसपे एग्जाम देते थे हम लोग अगर वो उस फाइबर बोर्ड को देखते वो हार्ड बोर्ड जो था फाइबर बोर्ड ही था बहुत सारा कूड़ा जो होता है जो भी एनिमल वेस्ट और क्या नाम है जो भूसा वगैरह होता है स्ट्रॉ वगैरह होता है या वुड वेस्ट होता है काफी सारा वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं रखते हैं और उसको कंप्रेस कर देते हैं बहुत अच्छे से उसकी स्लरी बना के अच्छे से उसको कंप्रेस कर देते हैं फिर जब वो सूखता तो उससे रख बन जाता है तुमने देखा होगा यार फाइबर फायबर तुमको बीच में ऐसे गंदगी दिखाई देती है उसके अंदर बीच में तुम्हें फाइबर्स पड़ी हुई दिखाई देंगी ये देखा है, है बताओ इसमें क्या करते हैं ठीक है, वेस्ट को जो भी हमारा वेस्ट रहते है उसकी हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट की स्लरी बना के वेस्ट प्रोडक्ट की स्लरी बना के उसको कंप्रेस कर देते हैं प्लस कंप्रेस और जब उसको कंप्रेस कर दोगे तो यहाँ पे उसी वही कूड़ा रिसाइकिल हो गया और बन गया हमारा क्या और हमारा क्या बन गया फाइबर बोर्ड ठीक है बचपन में जो तुमने एग्जाम में हार्ड बोर्ड यूज़ किया होगा वही है ये बचपन में जो एग्ज़ाम में हार्ड बोर्ड हम लोग यूज़ करते थे जिसमें पेपर देते थे याद करो वो दिन तो वो हमारा फाइबर बोर्ड ही हुआ करता था याद है है ना चलो बिल्कुल तो तुमको समझ में आ गया होगा बेसिक सा ठीक है और बाकी फिर हमारा ब्लॉक बोर्ड होता है अच्छा ब्लॉक बोर्ड क्या है तुम लोग अगर देखते हो अपने घर में बहुत सारी अलमीरा बनती हैं लकड़ी की है ना तो वो हमारी ब्लॉक बोर्ड से बनाई जाती है ब्लॉक बोर्ड से या ठीक है और भी तरह के या बैटन बोर्ड आते हैं तो उसमें क्या होता है सर देखिए बीच में आपके देखिए सर यहाँ पे क्या है बहुत सारे लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े हैं लकड़ी के बड़े टुकड़े देख एक टुकड़ा है ये देखो दूसरा टुकड़ा है ये देखो तीसरा टुकड़ा देखा सबको दिख रहा है सर बिल्कुल दिख रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे क्या किए हैं ब्लॉक्स लिए गए लंबे लंबे और उन ब्लॉक्स को लाइन से रख के एक प्लाई ऊपर लगाई गई एक प्लाई नीचे कराई गई देखो यहाँ पे देखो ऊपर एक प्लाई लगाई गई नीचे और फिर उसको चिपका दिया गया और ये हमारा बन गया ब्लॉक बोर्ड इसको बोलते हैं ब्लॉक बोर्ड ठीक है ब्लॉक बोर्ड थोड़े से अलग अलग साइजेस में आते हैं मार्केट में ठीक है अब साइजेस सर को याद नहीं अभी कमर्शियल इसके कई साइज हैं जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में इसी से दरवाजे बनते हैं ठीक है दरवाजे में यूज होता है जो भी फर्नीचर वगैरह उसमें काफी यूज होता है तो ब्लॉक बोर्ड के अलग अलग शेप आते हैं उसको काट के हम लोग अच्छे से यूज कर लेते हैं ठीक है बल्कि सर तो तुमको बताएं जब हम ऑफलाइन पढ़ाने जाते थे तो ऑफलाइन जहाँ पढ़ाने जाते थे वहाँ पे क्या होता था कि जहाँ पे सर लोग खड़े होते थे तो वहाँ पे थोड़ा सा हाइट देने के लिए लकड़ी के क्या नाम है कुछ स्टेजेस टाइप के आए जाते हैं ठीक है लकड़ी के कुछ स्टेज टाइप बनाया जाता तो वो जो लकड़ी के काट काट के मेम्बर बनाए जाते थे वो ब्लॉक बोर्ड से बनाए जाते थे ठीक है तो वो वो सर को सर जनली एग्जाम में

सर टीक और शीशम जो है सबसे हाई क्वालिटी के फर्नीचर देते हैं सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की लकड़ी है इसमें सर दीमक लगती नहीं है ज्यादा है ना तो टीक की पहले बात कर लो स्ट्रॉगेस्टर है सर हाई क्वालिटी फर्नीचर हमको मिलता है रेलवे के स्लीपर इससे बनते हैं रेलवे के स्लीपर लकड़ी से जो बनते हैं वो हमारे टीक से ही बनते हैं ठीक है तो ये तुमको पता रहना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट लकड़ी टीक और शीशम भी शीशम से सबसे बढ़िया क्वालिटी फर्नीचर मिलता है जैसे अगर क्या नाम है तुम लोग घर में अगर बेड वगैरह हो या जो भी बढ़िया बढ़िया हाई क्वालिटी फर्नीचर होता है ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं तो वो सब हमारे फर्नीचर जो बनते हैं वो शीशम से और काफी महंगे आते हैं मतलब शीशम की जो लागत है वो बहुत ज्यादा है और महंगे ही बहुत आते हैं तो ये और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है ना अगर तुमने शीशम का बेड वगैरह या तुमने ड्रेसिंग टेबल वगैरह बनवाई हुई है तो वो कम से कम 20-25 साल से नीचे नहीं चलने वाली है ठीक है तो बहुत ही लाइफ होती है इन सबकी शीशम वालों की तो जल्दी इसको प्रेफर किया जाता है ठीक है ओके सर बाकी एक बार ये सही पूछा गया है कि मलबरी से क्या होता है तो उनको पता रहना चाहिए मलवेरी सर स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं स्पोर्ट गुड्स है ना बैट वगैरह ये सब विलो की लकड़ी होती उससे है उससे बनते हैं स्पोर्ट गुड्स तो पता होना चाहिए बेंटिक से हमारा बोर्ड्स बनती है ये भी याद रखो ये भी पूछ सकता है मैच बॉक्स जो माचिस दिली होती है वो कैल लकड़ी से बनती है ठीक है और आम की लकड़ी तो है बहुत सस्ती होती है आम की लकड़ी जो है वो काफी सस्ती होती है तो उससे जो छोटी मोटी चीजें जैसे बच्चों के खिलौने वगैरह हो गए है ना और थोड़ा बहुत कैबिनेट का वर्क हो गया सस्ता फर्नीचर वो सब बनता है किससे आम की लकड़ी से ठीक है तुमने देखा होगा जो एकदम छोटी छोटी टेबल होती है हल्की फुल्की चेयर होती हैं हल्की फुल्की टेबल होती हैं जो एकदम सस्ती सस्ती मिलती है मार्केट में वो सब आम की लकड़ी से बनाई जाती है ठीक है फिर साल लकड़ी से ऑर्नामेंटल वर्क होता है ऑर्नामेंटल वर्क होता है इससे और दियोदार जो है हल्की लकड़ी है सर ठीक है ये दो हल्की लकड़ी है तो दिदार सर लाइट वेट का पाइल्स रेलवे स्लीपर ये सब बनता है और जो हमारा चिर है उससे लो क्वालिटी वर्क होता है थोड़ा बहुत याद रखना है सब ठीक है इसमें इंपॉर्टेंट हमारा क्या है टीक शीशम टीक शीशम मलवरी बेन्टी ये सब थोड़े से इंपॉर्टेंट है बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको देख लेना ठीक है चलो आई होप तुमको अब सारा टिम्बर का सिस्टम समझ में आ गया कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ठीक है थोड़ा ब्लॉक बोर्ड में प्लाई बोर्ड में ज्यादा इससे डिपेंड करता है बेटा कुछ ब्लॉक बोर्ड प्लाईवुर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉग हो सकते हैं कुछ प्लाई बोर्ड ब्लॉक बोर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं ठीक है थीके? ऐसा कुछ पक्का नहीं है जो जितना ज्यादा मोटा होगा बेटा वही उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ठीक है प्लाई बोर्ड अगर तुमने मान लो ज्यादा विनीस वाली ली जैसे ग्यारह तेरह पंद्रह सोलह वाली तो सत्रह वाली तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी है ना ऑब्वियसली बात है चलिए ठीक है सर ये हम लोग समझ गए कुछ क्वेश्चन आप देखा जाए फिर ब्रेक शुरू करते हैं ठीक है कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर ब्रेक शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से एकदम कुछ क्वेश्चंस देखो फिर ब्रेक शुरू करते हैं तुमको तो समझा चुके हैं हम वैसे भी दस बारह क्वेश्चन करके हम लोग तुरंत ही ब्रेक शुरू करेंगे सर है ना होली का माहौल चल रहा है सर एकदम होली होली खेल के आए आज लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता नहीं सर पढ़ाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे डेड पोर्शन सर डेड पोर्शन की अगर हम बात करें सर सैप तो जिंदा है कैमियम भी जिंदा है कैमियम वो है जो अभी सैप में कन्वर्ट होने वाला है ठीक है ये एक्चुअली कैमियम है पेड़ का भविष्य था तुमको तो पहले हमने समझाया था ये सैप भरा होता था और वो धीरे धीरे सैपवुड में कन्वर्ट होगा ठीक है और धीमे धीमे लेकिन हार्डवुड का साइज ग्रो कर रहा है क्योंकि पेड़ दीमें दीमें मरता जा रहा है तो ये हमारा सही आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डेड पोर्शन हमारा हार्डवुड है पिथ और हार्डवुड हमारा डेड रहता है लेकिन सैपवुड वुड और कैमियम जो बाहर की तरफ है वो हमारा जिंदा था तुमको बता चुके हैं तो लिविंग पोर्शन ऑब्वियसली सर हमारा कौन सा है सैफ वुड यहाँ पे ये मर चुका है सर पिथ तो सबसे पहले मरा था पिथ से सब कुछ मर के पहले बाहर गया था सैफ है ना और ये भी मरी हुई आउटर पार्क भी बना होता है ठीक है ओके आउटर पार्क में बहुत सारे क्रैक्स वगैरह आते हैं तुमको पता है आउटर बार्क में बहुत सारे क्रैक्स आते हैं फिर हमारा पूछा गया है टिम्बर यूज फॉर इंजीनियरिंग एंड हैवी कंस्ट्रक्शन आर डिराइव फ्रॉम ठीक है टिम्बर यूज फॉर इंजीनियरिंग एंड हैवी कंस्ट्रक्शन सो देखो कंस्ट्रक्शन के हम लोग यूज करते हैं डेसिडुस ट्रीज है ना होती थी, और वो कभी झड़ती थी नहीं है ना वो हमेशा रहती है सदा बाहर पेड़ थे वो तो वो हमारा एवरग्रीन और कॉनिफरस एक ही है ये तुम्हारे कौन से है ये सॉफ्ट वुड है यार ये कौन सी वुड है सॉफ्ट वुड है ना सॉफ्ट वुड है फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने दिदार शेरफर पाइन एपल लार्ज सब बताया था तो तुम लोग को वो सब लेकिन हमारी लगती है, ये है और ये होती है, हेवी कोई पूछने वाली बात नहीं है ठीक है, है चलो बढ़िया फिर इसकी अगर बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, गे, गे, ये, गेट ये सी पूछा सकता है अगर आएगा सवाल तो गेट ये सी तुम्हारा जो भी वेबर है वेट ऑफ द टिम्बर इज एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ किस मॉइस्चर लोग टिम्बर का वेट मेजर करते हैं सीधी बात है देखो एक बात जब हम लोग नया पेड़ काटते हैं तो फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट उसमें अगर उस समय तो वेट मेजर करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा वेट ज्यादा आएगा ठीक है तो हम लोग सीजनिंग कर लेते हैं एटलीस्ट उसके कैविटी में जितना पानी है जितना कैविटीज में या बीजी में जो पानी वो एटलीस्ट निकल जाए सारा तब तो हम लगभग लगभग ट्वेल्ल परसेंट तक पहुंचते हैं तो हम उसको बोलते हैं फाइबर सेचुएशन पॉइंट क्योंकि वहां पे पानी सिर्फ बाउंड वाटर प्रेजेंट होता है और जो फाइबर से पानी भरा है जो सेल्स के अंदर पानी सेल वॉल्स के अंदर पानी भरा है बस वही होता है प्रेजेंट लेकिन कैविटी के अंदर जितना फ्री वाटर है वो सारा का सारा रिमूव हो चुका है तुमको पढ़ा चुके पूरा कॉन्सेप्ट तो रेकमेंड किया गया कोड में कि बारह परसेंट पे टिम्बर का वेट मेजर करना है मॉइस्चर कंटेंट ठीक है बारह परसेंट कंटेंट याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन कि फाइबर पॉइंट पॉइंट एक ऐसा है जहां पे देयर इज नो फ्री वाटर इन देखो बिल्कुल तुमको समझाया था मैंने है ना? क्या समझाया था सर देखिए आपका सेल वेल well था ये आपका मान लीजिए सेल था ये आपकी सेल सेलवॉल थी ठीक है सेल वॉल थी तो ये सेल वॉल के अंदर पानी भरा होता है ठीक है सर और कुछ पानी सर यहाँ बीच में रहा होता है ठीक है कुछ पानी यहाँ बीच में भरा होता है जो बीच में पानी भरा है जो बीच में उसको क्या फ्री उसको फ्री पहले वही सूखता था ठीक है इसको फ्री वाटर बोल सकते हो या कैविटी याद आ रहा होगा तो जब निकलता है तो कुछ नहीं सिंकेज वगैरह नहीं होता लेकिन जब ये सेल का वाटर निकलता है ठीक है जब इस सेल का वाटर निकलता तो वॉल्यूम चेंज होना शुरू होता है और इसी को बोलते हैं कि हमारे फाइबर सेचुरेटेड है वॉल सेचुरेट लेकिन कैविटी सूख चुकी है ठीक है फाइबर या सेल वॉल सेचुरेशन पॉइंट है ना तो

भाई सॉफ्टर लाइटर जनरली बात हो रही है तो यहाँ पे ऑब्वियसली सॉफ्ट होगा है ना सैपवुड होगा सैपवुड हल्की भी होती है और सॉफ्ट भी होती है इसके अंदर गोंद की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है ठीक है चलो उसके बाद कौन जल्दी सूखता है जल्दी बताओ कमेंट करके सेवन का आंसर दो विच ड्राइज फास्टर सैपवुड हार्डवुड या दोनों सेम रेट पे ड्राई होते हैं या चौथा ऑप्शन आप पास हैं हम नहीं जानते बताओ बढ़िया क्वेश्चन सर लेके आए तुम लोग के लिए जल्दी से आंसर बता दो सेवेंथ का आंसर बताओ बेटा सेवेंथ का आंसर का आंसर लोग बताएंगे कौन जल्दी सूखता है सैफ वुड या दोनों ही सेम रेट में सूखते हैं या हम बोल सकते हैं कि हम नहीं जानते जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग कमेंट करके सब लोग आंसर देंगे सेवन का मकबूल जी कह रहे हैं बी है खुशबू जी कह रही है ए है जल्दी बता दो सर को ये नया क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा तो इसका सही आंसर है सैपवुड है ना इसका सही आंसर सैपवुड है सही बता रहे हो तुम लोग ठीक है सेवन का आंसर सैपवुड है सैपवुड जल्दी सूखता है ठीक जीते है जीतेंद्र कह रहे हैं हम नहीं जानते बहुत बढ़िया प्रद्युत कह रहे हैं डोंट नो बहुत बढ़िया ठीक है, know, है तो सही आंसर फिलहाल सैपवुड है सैपवुड के अंदर क्या नाम है वाटर प्रेजेंस बहुत अच्छी खासी है उसका वाटर जल्दी सूखता है एज कम्पेयर टू हार्ट वोड ठीक है अब इसमें कुछ है ही नहीं तो सूखे कहाँ से यार सूखे कहाँ से जल्दी सीधी सी बात है सैपवुड के अंदर है ना मतलब तुम कह सकते हो श्रिंकेज सैपवुड का ज्यादा है एज कम्पेयर टू हार्ट वोड ठीक है उसकी ड्राइंग स्पीड ज्यादा है तो श्रिंकेज क्या होगा श्रिंकेज के बेसिस पे अगर हम बात करें तो सैपवुड फास्टर देन हार्ड वुड ठीक है चलिए ओके सर एकदम कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम कहीं कोई परेशानी नहीं है फिर अगर हम बात करें अब आगे आठवें क्वेश्चन देख रहे हैं थिन लेर ऑफ सैप विच हैज नॉट यू सैप वुड सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है एट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है सुनील कह रहे हैं कलर नहीं निकल रहा कैसे हटाओ बहुत बढ़िया बेटा <laughs> तुम्हारा जीवन रंग में डूब चुका है ये तो अच्छी बात है बेटा कलर नहीं निकल तो बहुत खुशी की बात है सुनील है कि नहीं बहुत तुम लोग मजे कर रहे हो सर को परेशान कर रहे हो तुम लोग हैं सर को चढ़ा रहे हो तुम लोग गलत चीज़ है ये अच्छी बात नहीं है सर ने होली खेली नहीं है तो तुम लोग बता रहे हो कलर नहीं छूट रहा है सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है गुजिया खा रहे हैं अच्छी बात नहीं है ये बेटा चलो इसका आंसर दो जल्दी से थिन लेयर ऑफ सैप हैज नॉट येट कन्वर्टेड इनटू सैप वुड अच्छा सैप वुड में जो कन्वर्ट ना हुआ हो बताओ क्या था कमेंट करो जल्दी से एट का एट का क्या हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन है बेटा केमियम लेयर केमियम लेयर ठीक है केमियम लेयर आउटर मोस्ट लेयर थी जो अभी भी सैप में कन्वर्ट नहीं हुई है और समय के साथ जैसे जैसे सैप वोड और आता जाएगा पीछे का हार्डवुड बढ़ता जाएगा पेथ बढ़ती जाएगी डेड पोर्शन बढ़ता जाएगा लिविंग पोर्शन इधर बढ़ेगा और एक दिन सारा का सारा केमियम लेयर क्या होगा सैप वुड में कन्वर्ट हो जाएगा सिखाया तो था बेटा भूल गए हो क्या सब सिखा चुके हैं भूल गए एकदम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया करो कभी कभी ठीक है कभी को रिवाइज कर लेना चाहिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम हवा में चल रहे हो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपने बताया था ड्राई रॉट में सर क्या होता था जो सेलोस कंपाउंड थे वो गायब हो जाते थे है ना सेलोस कंपाउंड गायब हो जाते थे और हमारी लकड़ी जो है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का पाउडर छोड़ती थी ठीक थी? है और जब वेंटिलेशन की कमी होती थी जब वेंटिलेशन की कमी होती थी या कह सकते हो वॉम्थ बढ़ जाती थी जहाँ पे एयर अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रही है या ऑल्टरनेटिंग वेटिंग ड्राइंग कंडीशन आ रही है वहाँ पे हमारा हमारे ड्राइट देखने को मिलता है रिड्यूसिंग पाउडर अगला टिम्बर फ्रॉम इसमें देखो बहुत ही कॉन्ट्रोड क्वेश्चन है ये दोनों तो हटाई दू इनसे तो कोई मतलब है नहीं ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर शीशम और टीक ही है दोनों ही रेजिस्टेंट है लेकिन अब कौन सा आंसर तुम चूज करोगे बढ़िया सा तो वो तुम्हारे ऊपर है वैसे टीक तुम ले सकते हो टीक जो है हम कह सकते हैं टीक जो है काफी रेजिस्टेंट है अगेंस्ट व्हाइट हंड ठीक है दोनों ही लकड़ी शीशम और टीक दोनों ही रेजिस्टेंट है शीशम टीक जगह कुछ जगह आंसर शीशम दिया कुछ जगह टीक दिया फिलहाल तुमको टीक मान के चलो बढ़िया है ठीक है बहुत बुक्स में शीशम भी दिया हुआ है तो दोनों ही फिलहाल आंसर है लेकिन क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है तो तुम यहाँ फिलहाल हमारे हिसाब से सी और डी दोनों लगा दो ज्यादा बढ़िया ठीक है सी और डी दोनों लगा दो ज्यादा अच्छा आश्चर्य ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं ब्रिक शुरू करते हैं हम लोग और होली का समय चल रहा है तुमको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे ठीक है चलो बारह क्वेश्चन कर लेते हैं यार ट्वेल्व क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी बताओ

सबसे बसेल टिम्बर में भी अरे यार तो वाली है। टीक सबसे है। उसी से सबसे है। ये भी के अंदर एक सब पार्ट बन के पूछा गया था ठीक है तो आई होप तुमको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और तुमने काफी कुछ टिम्बर के बारे में समझा होगा ठीक है टिम्बर में काफी अच्छा समझा होगा चलिए सर आप शुरू करते हैं ब्रिक्स का ठीक है जैसा कि आप जानते हैं हम लोग ब्रिक्स आज पढ़ने वाले थे तो हम लोग शुरू करते हैं ब्रिक्स की कहानी बहुत ही जबरदस्त तरीके से ठीक है तो ब्रिक्स शुरू करते हैं हम लोग ओके ब्रिक्स आ चुका है हम लोग की स्क्रीन के ऊपर ब्रिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बात करते हैं ठीक है ठीके? थोड़ा सा बस बेसिक इंट्रोडक्शन ही देखेंगे क्लासिफिकेशन वगैरह तो हम लोग बाद में शुरू कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ब्रिक्स होता क्या है तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है मेनली हम लोग को सर हम लोग को पहले तो समझना है कि सर आखिर में ब्रिक होता क्या है क्या पर्पस है बनाने का ठीक है तुमको वैसे पर्पस तो पता ही है सब लोग को पता है पर्पस क्या है ठीक है एक्चुअली होता क्या है ना यार ब्रिक और स्टोन पहले के जमाने में क्या किया यार स्टोन से बहुत कुछ बनता था यार सब कुछ हम लोग स्टोन से ही बनाते थे ठीक है जैसे स्टोन की अगर तुम बात करो तुमने बड़े बड़े ताजमहल देखा होगा है ना बहुत कमाल की हिस्ट्री यार बहुत कमाल की हिस्ट्री अगर तुम थोड़ा सा स्टोन के बारे में सुन लो थोड़ा सा अगर तुम स्टोन के बारे में सुनो ठीक है स्टोन की हिस्ट्री बहुत ही कमाल की रही यार बहुत कमाल की हिस्ट्री रही स्टोन की कहाँ चला गया बहुत पढ़ा दिया सर ने तुमको सर अगर हम स्टोन की बात करें तो देखिए सर पहले ब्रिक्स से पहले ब्रिक्स आने के पहले स्टोन्स जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था ठीक है जैसे तुम तो देख सकते हो बहुत ही कमाल का एक गीजा का पिरामिड है हमारी स्क्रीन के ऊपर ठीक है गीजा का पिरामिड है ये जो है सर हमारा स्टोन से बना हुआ है ठीक है स्टोन जो है एक्चुअली नेचुरल एक अक्रिंग सबसेस था जो कि हम लोग इस्तेमाल करते थे लेकिन ब्रिक्स लाने के पीछे कारण क्या है ठीक है स्टोन्स बहुत बहुत ही स्ट्रॉग भी हुआ करते थे बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे सर गीजा का पिरामिड आज भी यहाँ पे है आज भी इस समय दुनिया में गीजा का पिरामिड है और जो बहुत ही भारी है ठीक है और ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है तुम जानते हो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बड़ी कमाल की वॉल है ये स्टोन से बनी हुई है ताजमहल तुम जानते हो मार्बल से बना हुआ है ये भी एक स्टोन है ठीक है पत्थर है तो सर पत्थर जब इतने स्ट्रॉग हैं और इतना लंबा लंबा टिकते हैं ताजमहल आज भी खड़ा हुआ है सर ये भी आज है चाइना वॉल जो अपनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो भी आज है तो सर ब्रिक की जरूरत क्या पड़ गई ब्रिक की क्या जरूरत तो पड़ गई तुम बता सकते हो कमेंट करके क्या तुम बता सकते हो कमेंट करके कि आखिर स्टोन इतने बढ़िया मैसिव सॉलिड कॉम्पैक्ट मटेरियल हैं उसके बाद भी और जबकि आराम से मिलते भी हैं जबकि आराम से आते हैं बहुत सारे प्रेजेंट भी हैं तब भी सर, हमको ब्रिक्स की क्या जरूरत पड़ गई हुआ सर बताइए है, है? हमको, तो हमको यही पढ़ना है आज कोई बता सकता है देखो इसका सिंपल सा कारण ये है सिंपल सा कारण ये है कि देखो ब्रिक्स क्या होता है बने बनाया उसका शेप एकदम मेंटेन्ड होता है ठीक है कैसे बनती है चिकनी मिट्टी जो होती है क्ले जो होता है उसको निकाल के काफी प्रोसेस किए जाते हैं और उसको शेप में ढाल के हम लोग उसको बनाते हैं ठीक है तो ये होती है ब्रिक की कहानी ये होती है ब्रिक की कहानी लेकिन सर स्टोन को क्यों ब्रिक ने रिप्लेस किया मुझे ये जानना है तो ये तुमको कैसे पता चलेगा बताओ कमेंट करो देखें क्या बता रहे हो अच्छा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा और हैवी वेट अच्छा सबको थोड़ी इतना हैवी है अच्छा फायर एक्शन बिल्कुल सही चलो तुम लोग सब सही बता रहे हो बड़े बता रहे लेकिन सबसे मेन शेप यह है कि स्टोन को शेप देना बड़ा मुश्किल है स्टोन आते हैं उसके शेप एकदम डिस्टॉर्टेड रहते हैं उसको काट पीट के उसका शेप ड्रेसिंग बोलते हैं ड्रेसिंग

हर सेंस में ब्रेक ब्रिक मैसेज से सुपीरियर है लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उसकी लागत बहुत ज़्यादा उसको लाने जाना बड़ा प्रॉब्लम है और सबसे में न उसकी ड्रेसिंग करना बहुत मुश्किल है तुम खुद सोचो अगर तुमको खाना खाना है और उसके पहले तुमको तीन घंटा मेहनत करनी पड़े तो तुम कहोगे हमको नहीं खाना तुम बोलोगे जो आधे घंटे मिल जा रहा है वो हम चुपचाप खा लेंगे प्यार से सिंपल सी बात ये यही।, यही सबसे बड़ा रीज़न है जो ब्रिक्स का आविष्कार हुआ और ब्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज होने लगे ठीक है और वैसे ब्रिक्स तो यार देखो आज तो चल नहीं रहे बहुत पुरानी पुरानी सभ्यताओं से तुम देखो अगर हिस्ट्री उठा के तो चाहे रोमन सिविलाइजेशन हो बहुत टाइम से ब्रिक्स चल रहे हैं भी तुमको बताते अच्छे से ठीक है, है? चलिए तो आज हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्रिक्स अपना तो आज इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग देखेंगे जो तुमने ब्रिक्स ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ रखा है एक हमको लग रहा है कुछ होने वाले कोई बात नहीं तो इंट्रोडक्शन है ये अपना और क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे ठीक है उसके अंदर फर्स्ट क्लास ब्रिक सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास वो सब देखेंगे कंपोजिशन देखेंगे अपनी जो मिट्टी है ब्रिक की जो मिट्टी होती है अर्थ होती है उसके अंदर क्या क्या होता है सिलिका एल्युमिना लाइन ये सब देखना पड़ेगा हमको फिर अच्छा ब्रिक क्या होता है उसकी मैनुफैक्चरिंग कैसे होती है ब्रिक्स की टेस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग लो लैब में और डिफेक्ट्स क्या है स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक हम लोग ये सब समझेंगे ठीक है चलिए सर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन हम लोग अपना क्या हो गया भैया इसको नाराज हो गया है ये बहुत ज्यादा नाराज है इस समय बात ही नहीं सुन रहा है ये ये बात ही नहीं सुन रहा है इस समय कंप्यूटर महोदय जल्दी से अपनी नाराजगी छोड़िए और जल्दी से पेज पर रख दीजिए कंप्यूटर में महोदय नाराज हो गए हैं बहुत नाराज है इस समय आई एस कोड फॉर ब्रिकेट आई एस कोड फॉर ब्रिक ऐसा कुछ नहीं है हर एक चीज का अलग अलग आई एस फोर्ट जैसे स्ट्रेंथ का अलग है स्ट्रेंथ निकालने का अलग है ना तो उस तरह से होता है हाँ बिल्कुल डिफिकल्ट है सीजनिंग रिक्वायर्ड बहुत अच्छा तुम लोग सब सही बता रहे हो हमको समझ नहीं आ रहा है इसके साथ हो क्या गया है कुछ तो चल जाओ कुछ तो चल जाओ बेटा कुछ तो चल जाओ ऐसा नहीं करो तो, ऐसा मत करो इट्स अ हैंग कंप्यूटर महोदय जल्दी ज़िंदा हो गए कंप्यूटर महोदय सो गए हैं ये तो अच्छी बात नहीं है यार ऐसा तो आज तक कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है है ना आज लग रहा है कंप्यूटर महोदय ने कहा है कि ब्रेक नहीं पढ़ने देंगे क्या किया जा सकता है इसमें क्या किया जा सकता है कंप्यूटर महोदय लाइट लाइक मांग रहे हैं अच्छा लेट खत्म हो गया है अच्छा भांग पी लिया ऐसा ही कह रहे तुम लोग लेकिन ऐसा क्यों हो गया यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा सर को सर को टेंशन मत लो सर को ये सही करना पड़ेगा फिर भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं कंप्यूटर जी जल्दी आप सही हो जाइए आपको गर्मी लग रही है भांग पी लिया आपने क्या हो गया बताइए कुछ करते हैं हम लोग बाकी सब चीजें चल रही हैं यार चलो लाओ थोड़ा बहुत अरे चल गया चल गया चल गया बधाई हो कंप्यूटर जी फॉर्म में आ गए वापस कंप्यूटर जी फॉर्म में आ गए बहुत बढ़िया हमको तो लगा आज ही परेशान करके रहेंगे चलो भाई ठीक है बधाई हो तो कंप्यूटर जी फॉर्म में आ चुके हैं चलो वापस आते हैं हम लोग बिल्कुल कंप्यूटर जी होली के छुट्टी चाह रहे थे लेकिन बच्चों की मनोकामना से बच गए हम लोग बिल्कुल तुम लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट करने लगते हो चलो देखते हैं आप लोग फटाफट ठीक है अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन एटलीस्ट खत्म कर लो बाकी क्लास में कल देख लेंगे लंबा चौड़ा है वो तो थोड़ा सा तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो बहुत ही कमाल की लाइन लिखी हुई है कि मैन जो अपना मनुष्य है उसने ब्रिक्स को आज नहीं बहुत सालों से इस्तेमाल करता आ रहा सबसे पुराने ब्रिक्स जो है वो लगभग लगभग पुराने है, पुराने हैं तुम देख सकते हो किस तरह के पत्थर पहले इस्तेमाल हुआ करते थे बहुत पुराने पुराने पत्थर हैं ये ठीक है जो रोमन सभ्यताएं काफी सारी पुरानी संप्रदाय रही हैं तुम जानते हो रोमन सिविलाइजेशन था और इजिप्ट में यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था है ना और इंडस सिविलाइजेशन नाइन एलिसन सब जगह पत्थर पाए गए हैं पहले ठीक है पत्थर कह रहे हैं सॉरी ब्रिक्स ईंट ईंट पाई गई हैं तो वो भी थोड़ी अलग अलग टाइप की थी अलग अलग शेप की थी और बनती थी मिट्टी से ही बनाई जाती थी उस समय मिट्टी से बनाई जाती थी आज भी मिट्टी से बनाई जाती है लेकिन आज का प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो गया मॉडिफाइड हो गया ठीक है ठीक है सर ये अच्छी बात आपने बताइए तो अब क्या हो रहा है सर अब क्या हो रहा है अच्छा एक बात और समझ लो ये जो है हमारा नेचुरल नहीं है जैसे तुमको बताया ना सर ने स्टोन स्टोन हमारा नेचुरल था यार स्टोन हमारा नेचुरल था ये सर कैसा हमारा ये आर्टिफिशियल मटीर है

और इसका जो साइज आता है सर आजकल ये आता है सेंटीमीटर याद रखो बेटा सेंटीमीटर ये जो इसकी हाइट है ये भी 9 है, ये भी है और इधर भी क्या है नाइन इधर भी क्या है 9. या इधर से देख लो ये सेंटीमीटर ठीक तो है तो नाइन नाइन साइज है इसका साइज है तुमको याद रखना है ठीक है ओके सर तो दिस इज नाइनटीन दिस इज हाइट इज नाइन और ये इंपॉर्टेंट है पूछा सकता है तुमसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडल ब्रिक क्या होता है तुम सीधे से बताओगे उन्नीस नौ नौ और एक चीज और देखते हैं हम लोग ब्रिक के अंदर

चौड़ाई इसकी कह सकते हो तुम ऑलमोस्ट फोर है ना फोर सेंटीमीटर के आसपास तो टेन सेंटीमीटर चौड़ाई लंबाई है सेंटीमीटर की चौड़ाई और के आसपास होती है समझ रहे हो ये हमारा सिस्टम है किसका फ्रॉक का ये फ्रॉक का सर ये दिया क्यों जाता है या बीच में इसके अंदर क्या मेनुफैक्चर का नाम होता नहीं ऐसा नहीं है हम लोग ये कहना था इसके ऊपर मसाला लगाते हैं जब मसाला लगाते हैं तो मसाला क्या होता है इसके अंदर अच्छे से चला जाता है और वो अगली बीक से अच्छे से पक जाता है ठीक है ताकि जब शेयरिंग कभी हो कभी जब खिसकिसक रहा हो तो ये मसाला इसके अंदर फंसा रहे और एक अच्छा सा बॉन्ड दे सके कि यह अगली ब्रिक से अच्छे से जुड़ पाए ठीक है तो जनरली फ्रॉक का ये काम होता है सबको पता भी होगा सबने देखा भी होगा है ना सबने देख रखा होगा हाँ वेरी गुड वेरी गुड मैनुफैक्चर का नाम तो लिखा होता है लेकिन ये एक बॉन्ड बनाने का काम करता है की की तरह काम करता है मसाले को फसा के रखता है अगले ब्रिक के साथ ठीक है चलिए क्लियर है सर बात आसान चीज है तो हमारे मॉडल ब्रिक का साइज क्या है उन्नीस नौ नौ लेकिन अब इसी में अगर मान लो चारों तरफ मसाला लग जाए इसी मान लो चारों तरफ अगर पेस्ट लग जाए सीमेंट सैंड का जो पेस्ट होता है मसाला होता है वो लग जाए तो हमारा सर ब्रेक का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा सब में हम वन वन प्लस कर देंगे जो हमारा अभी नाइनटीन नाइन नाइन है वो हमारा हो जाएगा ट्वेंटी टेन टेन ठीक है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मिनल साइज यार उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर नॉमिनल साइज बोलते हैं याद रखना तो नॉर्मल साइज मोटर के साथ जो होता है वो होता है ट्वेंटी टेन टेन एग्जाम पूछेगा वट इज नॉमिनल साइज ऑफ टुडेज ब्रेक आज का मॉडर्न ब्रिक तो तुम क्या बताओगे ट्वेंटी टेन टेन बताओगे ठीक है याद रखना ट्वेंटी टन टेन ओके तुमसे पूछ ही सकता है कि अगर तुम एक मीटर क्यूब की ब्रिक मशीन से नहीं बना रहे हो एक मीटर क्यूब की ब्रिक मशीन से नहीं बना रहे हो तो उसमें कितनी ईंट होंगी तो तुमको पता है एक ईंट का साइज कितना ट्वेंटी मतलब पॉइंट टू मीटर अरे ट्वेंटी सेंटीमीटर मतलब पॉइंट टू मीटर दस सेंटीमीटर मतलब पॉइंट वन मीटर और दस सेंटीमीटर पॉइंट वन मीटर तो यहां पे अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो लगभग लगभग पांच सौ ईंट आ जाएंगे है ना मतलब एक मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी के अंदर हमारे पाँच ब्रिक्स लगते हैं मसाले के साथ है ना मसाले के साथ ऑब्वियसली ये ब्रिक की एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर मसाला भी जुड़ा हुआ है दोनों चीजें हैं क्योंकि मसाला भी थोड़ा सा और थोड़ा सा क्या हमारा ब्रिक है ना तो ऐसा अज्यूम किया जाता है तुमको पता रहना चाहिए कि एक मीटर क्यू ब्रिक में से नहीं आ सैनी पाँच सौ ब्रिक्स आ जाते हैं मसाले के साथ इसका जो वेट रहता है सर इसका जो वेट है एक ब्रिक का वो लगभग लगभग तीन से साढ़े किलो रहता है तीन से साढ़े तीन के रहता है और इसकी जो डेंसिटी आई इसकी जो डेंसिटी निकल के आ रही ब्रिक की वो कितनी आ रही कोई बताएगा मुझे इसकी जो डेंसिटी निकल के आ रही है जल्दी आती है कितनी एनी वन अब तुम खुद सोचो इसकी वॉल्यूम क्या तो सामने है इसका वेट क्या तो सामने वॉल्यूम में वेट है पाओगे? चलो। अच्छा चलो बिल्कुल चिंता ना करो जल्दी डेंसिटी कितनी होगी सर डेंसिटी जो होती है वो होती है 1800 से लेके 1850 केजी पर मीटर क्यूब ठीक है 1800 से लेके 1800 केजी मीटर क्यूब होती है ठीक है तो ये डेंसिटी होती है तुमको याद रखनी है और बताओ ठीक है सबको समझ में आ रही है अच्छा तुम बताओ ये डेंसिटी कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो डेंसिटी सब लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे जल्दी बताएंगे कमेंट करके बताओ भाई हाँ वेरी गुड वेरी गुड अट्ठारह की रेंज में ही होती है इसकी डेंसिटी सही बता रहे हो ठीक है तो ये है ब्रेक की कहानी बाकी हमको क्लासिफिकेशन इसका करना है अब अब हम सर क्लासफिकिंग कर रहे हैं सोच रहे हैं इसको अगली क्लास शुरू कर तो बढ़िया रहेगा ना क्लासिफिकेशन करते हैं तो देखो क्लासिफिकेशन हमको बहुत सारे ब्रिक्स पढ़ने हैं वैसे फर्स्ट क्लास है इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है हम सोच रहे हैं कि तुमको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ठीक है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास सब एक साथ ही पढ़ाएं एक क्लास के अंदर और फिर इनकी प्रॉपर्टीज को लोग कंपेयर करें ठीक है तो इमेजेस सर अच्छे से लेके आए तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे एंड करते हैं अभी ताकि ये पूरा टॉपिक एक साथ एक क्लास में हो पाए और फिर हम लोग आगे कंपोजिशन वगैरह सब अच्छे से देखेंगे वन बाय वन बहुत बढ़िया समझ में आएंगे तुमको चीजें एकदम ठीक है फिलहाल अभी, अभी के लिए इतने ही हम लोग करते हैं हम लोग और आज हम लोग रेक्टेंगुलर शेप होता है उसकी जो साइड है पॉइंटेड है पैलल रहती है दूसरे के ठीक है ये हमारा ब्रिक होता है गहरे लाल रंग का होता है बढ़िया सा ब्रिक होता है सर एकदम शेप साइज मसाले के साथ उसका वेट उसकी डेंसिटी हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं ठीक है ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था और ऑब्वियसली वो मेसनरी में ज्यादा यूज होता है ठीक है और भी बहुत सारे काम होते हैं उसको फाउंडेशन में यूज किया जाता है फाउंडेशन यूज करते हैं पार्टीशन वॉल्स के लिए यूज करते हैं काफी जगह ब्रिक्स यूज होता है फाउंडेशन के नीचे ब्रिक सोलिंग की जाती है सोलिंग की जाती है वो यूज होता है तो काफी सारा यूज है इसका ठीक है अब हम कल से कल से क्या करेंगे कल से हम ब्रिक का क्लासिफिकेशन और इसका कंपोजिशन अच्छे से पढ़ेंगे और दो तीन दिन के अंदर हमारा ब्रिक भी समाप्त हो जाएगा बढ़िया से फिर हम लोग ब्रिक मेसिन्री देखेंगे इसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे मिसिंग है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वो तुमको सर पढ़ाएंगे सबसे एंड में ठीक है वो हमारा है ब्रिक मेनरी एंड मोटार अब देखो यार अपने बीएमसी के अंदर काफ़ी कमी टॉपिक्स का बचेंगे ठीक है लेकिन सर तुमको सब पढ़ा देंगे ब्रिक मेसेंडरी यार तुमको पढ़ाएंगे सर बढ़िया तरीके से ठीक है तो आई होप सबको सब बातें बढ़िया समझ में आ गई होंगी होली तुम लोग इसी तरह से एकदम एन्जॉय करते रहो ठीक है चैंपियन तरीके से और बाकी तुम्हारी सारी क्लास कल चलती रहेंगी नॉर्मल ठीक है और ठीक <coughs> है आज से हम क्वेश्चन सीरीज नहीं होगी बेटा होली होली थोड़ा सा एंजॉय कर लो बहुत तुम लोग परेशान हो ठीक है आज थोड़ा सा होली इन्जॉय कर लो हम लोग मिलेंगे अब कल कल तुम लोग देखो दो तीन दिन अभी क्लास चले तो यूट्यूब ऐसे ही बाकी हम लोग अभी परसों से काम करेंगे परसों से क्या करेंगे शाम शाम को आर्थिक क्वेश्चन सेशन रखेंगे और ताकि देखो तुम लोग को नुकसान ना हो इसलिए सर जो है संडे को भी कल भी क्लास थी सर और होली को भी क्लास थी ताकि तुम लोग को कंटेंट मैक्सिमम मिलता रहे और जो भी चीज़ें छूट रही हैं छोटी मोटी चाहे प्लाई हो बोर्ड वगैरह वो सब सर ने तुमको पढ़ा दिया ठीक है ताकि तुम ए में जब क्वेश्चन लगाओ ए के प्रिय सर क्वेश्चन लगाओ तुमसे कुछ भी गलत ना हो ऐसी पूरी कोशिश सर की यहाँ पर हो रही है ठीक है तो तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट ये है कि सब लोग जो है घर पे बैठ के अपने ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करते रहो गेट में तो देखो बी में ज्यादा क्वेश्चन आए हैं नहीं लेकिन ई के सी का अगर तुमने क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन अच्छे सोल्व ली तो हमारे सारे एग्जाम के क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे ठीक है एक तो ई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक एस का तो बस यही दो हैं बाकी ज़्यादा जरूरत नहीं है कुछ भी सॉल्व करने की ठीक है ठीके? तो आई होप सबको बढ़िया से सवन में आ गया होगा हाँ बेटा सब कुछ कंटिन्यू होगा फ्री में होगा बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है ठीक है कोई टेंशन नहीं सब फ्री में होगा सब अच्छे से पढ़ते रहो ठीक है तो होली की सबको शुभकामनाएं सर की तरफ से सब लोग एकदम खुश रहो और तुमको पता है तीन काम सरने क्या बोले थे तुमको क्या तीन काम करने एक तो होली खेलनी है बढ़िया से ठीक है होली मतलब रंग लगाना है दूसरे को उसके बाद तुमको क्या करना है गुजिया खानी है और तीसरा काम है भांग पीना है ये तीन काम सरने ये तीन काम बढ़िया से करो और आज करो इंजॉय ठीक है तो आज की दो क्लास अपनी हो गई है चैंपियन बनते रहेंगे हम लोग इस तरीके से कल हम लोग आरसी पढ़ेंगे वर्किंग मेथड और बीएमसी हम लोग ये पढ़ेंगे ठीक है जो बच्चे पी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं उनको सर जल्दी से एक बार बता देते हैं सर तुमको बता देते हैं एक बार जल्दी से ठीक है कि पीडीएफ में कैसे मिलेगी सभी लोग सर के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेंगे टेलीग्राम पे जाओ चेतन सर सी एस टेन ठीक है यहाँ पे तुमको सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ फ्री में मिल रही है तुम आराम से यहाँ पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो यही जिससे सर तुमको पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी पड़ी हुई है सब फाइल्स में जाना चैनल को सब्सक्राइब करना फाइल्स में जाना फाइल्स में, में सर्च करना सर्च ऑप्शन आता है और वहां पर तुम आराम से क्या कर सकते हो सर्च कर सकते हो फुल बीएमसी नाम की पीडीएफ उसमें तुमको ये सारी फीबीटी मिल जाएगी ऐसे ठीक है चलो टेक केयर सब लोग ख्याल रखेंगे खुश रहेंगे एकदम बढ़िया तरीके से ठीक है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे अच्छा छोटा वाला वीडियो आता है ना, ना कोई बात नहीं बेटा छोटा वीडियो ऐसे ही है बस काम चल रहे हम बता देंगे तुमको चलो प्लेलिस्ट बन गई है प्लेलिस्ट बनवा के डाल देंगे ठीक है चलो टेक केयर ख्याल रखो अपना है ना इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस कॉम्बैट क्रैक अ चैलेंजिंग गेट कॉन्टेस्ट Engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the test to bring out the best in you. An academy combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.